रुक, फिर से संडे आ गया और फिर से गाड़ी चला रहे हैं। मुझे बेस्ट टाइम लगता है यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि हम दोनों तीनों सब पास में होते हैं ना, किसी को बुलाना नहीं पड़ता कि आ जाओ यहाँ हाय बोलो, तो सब एक पास ही होते हैं। अभी हम लोग जो है संडे का मॉर्निंग है, ये रिशु वॉक से आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने सियाटल रोटी, जो कि मेरा फेवरेट है। दो तीन रेस्टोरेंट्स मेरे फेवरेट है, मैं उन्हीं का नाम बार बार लेती हूँ, क्योंकि है ना जब अच्छा लगता है और इतने दिनों पर जब मैं जाती हूँ खाना खाने, तो बनता तो है ही कि मैं उसी जगह पर जाऊँ और सेम खाना खाऊं। तो कढ़ाई पनीर हम लोग खाते हैं ना शायद, ओके एक कढ़ाई पनीर लेते हैं और चिकन तो आई डोंट थिंक सो कि रिशु लेना आज प्रेफर करेंगे, क्योंकि कुछ दिन से इनका चिकन खाने का उतना मन नहीं हो रहा है। मे बी कोई कोई बना के दे देता है तो खा खा करके तसल्ली हो गई रहती है, इसलिए लेता हूं ताकि दोनों शेयर कर सकें, चिकन लूंगा तो शेयर कर सकें। ओके, वेज लेने के पीछे इनका मोहब्बत है मेरे लिए कि हम दोनों शेयर कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं बार बार अपने वीडियो के अंदर ऐसे व्यू दिखाती हूँ, यू नो मुझे मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ और इतने खूबसूरत व्यू जो मैं देख रही हूँ वो मैं कैसे आप लोगों को ना दिखाऊं। मुझे बेस्ट लगता है वॉशिंगटन का सबसे खूबसूरत लाइक बाहर जाना और ऐसे ब्यूटिफुल लाइक सीनिक व्यू देखना, आप भी समझ सकते हैं ना। आई थिंक आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके देखिए कि अगर आप बाहर निकले इतनी खूबसूरत चीजें देखें और आप व्लॉग बनाते हो, फिर कैसे शूट ना करें, फिर कैसे आप लोगों को दिखाएं। आई होप आप लोग भी इसे एंजॉय करते होंगे, और अगर एंजॉय करते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ करते जाइएगा, अदरवाइज यू नो लास्ट में भूल जाते हैं करना, किसे याद रहता ना, सब जल्दी में चले जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लीज एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोज को आगे भी एंजॉय करते रहिएगा। बहुत अच्छा खाना था, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए हों, जो कि हमें लगता है कि ये लोकेशन बिल्कुल थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो ऑफ कोर्स पुराना सा है, बहुत सारे लोग डाइनिंग नहीं करते हैं, खाना पिकअप ही करते हैं यहाँ से, बट हम लोगों को डाइनिंग पसंद है, स्पेशली मुझे, तो रिशु मेरे लिए ही पर्सनली आते हैं, रोटी का खाना इनको भी बहुत पसंद है।
हर बार बहुत यम्मी खाना होता है, इस बार भी सेम टू सेम इन्होंने अपना रेपुटेशन बनाए रखा है और बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छी चटनी यार। इमली की चटनी जो होती है वो, और एक धनिये की चटनी या पुदीने की चटनी जिसकी भी थी, टेस्ट इतना ज्यादा सही था। मैंने तो अलग से चटनी भी ले आई थोड़ा थोड़ा खाना बच जाता है तो उसको तो मैंने पैक किया, उसके बाद थोड़ी सी चटनी भी मैं मांगने चली गई, चटनी दे दो तो ओवरऑल इसका तो मैं हमेशा से ही मैं बोलती आई हूँ कि मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करें। अगर आकर के डाइनिंग नहीं करना है तो पिकअप ही कर सकते हैं आप लोग खाना, लेकिन ट्राई जरूर करें। और मैंने खाया था कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता और कौन सा चिकन था रिशु? दम मुर्ग चिकन। तो मैं चिकन तो नहीं खाती, बट हाँ दो सब्जियां मैं खाई, बहुत सही। तो मुझे खाना काइंड ऑफ अच्छा लगा था, बट लेकिन गुलाब जामुन बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और देखिए मैं आपको थोड़े दिन पहले दिखाई थी कि फॉल कलर कितना ज्यादा सुंदर है, लाइक 2-4 दिन पहले की ही वो वीडियो थी, और अब मैं दिखाती हूँ कि अभी स्टिल है कलर्स पेड़ों पर, लेकिन कलर्स नहीं, पत्तियों में कलर्स है और पत्तियां पेड़ों पर अभी जिंदा है लेकिन बहुत थोड़ी सी। देखिए क्या हालत होती है फॉल कलर के बाद, कितनी सफाई करनी पड़ती है। ये फॉल सीजन बिल्कुल अब ऑलमोस्ट जाने वाला ही है, खत्म होने वाला है। और ये है मेरा डेक, और अभी ये ना यूरो बहुत एक, मतलब आप कह सकते हैं 1% है ये कि इतनी सी पत्तियां हैं। अभी ये जितनी भी पत्तियां आपको इन पेड़ों में नजर आ रही हैं, ये सारी गिरती हुई प्राण पखेरु अपने छोड़ते हुए और सब यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इसकी क्लीनिंग की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होती है मेरे हस्बैंड की पहले होती थी, लेकिन अभी हम लोग एक गार्डनर आता है, हम लोग उसको बोल दिए, वो आकर के पूरा नीट एंड क्लीन कर देगा। और ये देखिए नीचे कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जो यार काम तो जो होगा वो होगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी देखिए वो मोहब्बतें पिक्चर का बिल्कुल सीन याद आ रहा है। एक्चुअली पत्तियां बिल्कुल वही होती हैं जो पहले हम कभी मूवी में देखते थे। सी आज है मंडे मॉर्निंग और डेट है 25th, और यहाँ मेरा जो जगह है जहाँ मैं रहती हूँ कर्कलैंड, और ये वापस से बन चुका है मेरा गांव लाइट नहीं है यार, रात के 2 बजे से यहाँ लाइट नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि यहाँ लाइट भी ऐसे कट जाती है, 2 बजे से कटा हुआ है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8, और कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब आएगी। तो यहाँ ये 4-5 महीने पर एक बार ये ज़रूर फील दिलाता है कि अर्चना तुम इंडिया इतना याद करती हो, अपने गाँव को, अपने शहर को, तो उसको फील भी किया करो, सिर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं। ये बीच बीच में जो है ना ऐसा होता है, वैसे तो अभी सुबह हो गया है तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा लाइट है या नहीं है, बट मेरा घर देख सकते हैं एक भी लाइट नहीं जल रही है, लाइट कट चुकी है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकती। जब तक लाइट नहीं आ जाता है मैं छोटे छोटे अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। अच्छा हुआ कि हमारा गैस है यहाँ पे, पहले वो इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलता है ना इंडक्शन वो था, तो लेकिन अगर वो था तो पता है उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, चाय भी नहीं बनता था, रोज के लिए दूध भी नहीं गर्म हो पाता था, मतलब खाने के भी बिल्कुल सब कुछ शट डाउन हो जाता था मेरा किचन, और हम लोग बाहर से खाना ले आते थे। लेकिन अभी थोड़ा बढ़िया हो गया है कि चलो चाय पानी खाना इन सब के लिए सोचना नहीं है, सारा कुछ अच्छे से हम लोग का हो जाता है। और साथ में यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा, अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं मैं सुबह 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 के 8 बज रहे हैं, मैं ब्लैंकेट लेकर के बैठी हुई हूँ, विंडोज़ भी पूरे मेरे बंद हैं, अच्छी खासी ठंड हो गई है। लेकिन हमारा जो फायरप्लेस है ना उधर है, वो फायरप्लेस हमारा गैस का है, तो बहुत अच्छा काम करता है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर फायरप्लेस गैस वाला ही है, तो इन चीज़ों का तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आफ्टर ऑल यू नो जब लाइट कट जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आप बंद कर देते हो, दुनिया ही टिक गई है इंटरनेट पर, तो उसी वजह से मेरा भी रुक जाता है। बट सच में हस्बैंड मेरे सही कहते हैं कि जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ है जैसा है उसमें मजे करके रहो, तो ये सोच के कह रहे यार बहुत बढ़िया अमेरिका में लाइट कटा है, चलो कुछ मस्ती करते हैं अलग से, क्योंकि कुछ और तो है ही नहीं करने के लिए चलिए छोड़िए ये सब, ऋषु अभी चाय बना रहे हैं मेरे लिए, सुबह के 8 बजने वाले हैं, 8 बज चुके हैं, चाय बन रहा है मेरा। ऋषु चाय बन रहा है
इधर बन रहा है चाय। ज्यादा मच्छर को बाल चल जाएगा। अभी हम लोग निकल गए हैं कहाँ जाने के लिए रोज बेटा? स्कूल। और ये पत्तियां इतनी सारी सामने है ना कि बिल्कुल विंड शील्ड पे उड़ उड़ के आ रही हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, रोज के स्कूल का टाइम है 9:20 और अभी हो रहे हैं 9:35, तो हम लोग अभी 2-3 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे। या तो आज हम लोगों के यहाँ लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हर काम पावर कट है और हर चीज में लेट हो रहा था। लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ क्या है, आदत नहीं है, उसी हिसाब से टॉर्च ले लेके हम लोग की ढूंढ रहे थे कपड़े कहाँ हैं, फिर और भी मतलब 50 तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं बिना लाइट के बिना बिजली के, बस वही सारी हो रही थी। और एक एक करके यू नो आदत होती है कि आप माइक्रोवेव में कप को रखते हो, अभी दूसरे पैन में डालना था, उसके बाद मुझे कुछ भुजिया या सब्जी गर्म करनी थी, मुझे डायरेक्ट मैंने बोल में डाला, माइक्रोवेव में डाल दिया, याद ही नहीं था लाइट नहीं है, छोटी छोटी चीजें ना हमें याद नहीं होती है, तो बस वही सब करने के चक्कर में यार लेट हो गया। अब चलते हैं, रोज को छोड़ते हैं और कुछ दिन में क्या 1-2 दिन के अंदर ये सियाटल जो है ना, जो अभी आपको इतना ग्रीन और इतना सुंदर में दिखाई थी, ऐसा बंजर और नंगा दिखता है। सिग्नल लाइट भी नहीं है, एक्चुअली लाइट ना होने की वजह से सिग्नल भी रेड और ग्रीन नहीं हो रहे हैं, खुद से खुद का देख करके जाना आना है। तो अभी रोज को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे सैर करके आते हैं, लाइक वॉक ही, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करूँगी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट वो तूफान गए थे ना, साइक्लोन जैसा ही मुझे लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई भी कम्युनिटी में दिख नहीं रहा है, सारे लोग अपने अपने घरों में ही होंगे या फिर स्कूल ऑफिस है तो वहाँ गए होंगे। रोज के स्कूल से भी मेल आया था कि अगर आप अभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं रही रहती तो पूरा स्कूल आज डिस्ट्रिक्ट का बंद रहता, लेकिन उसके स्कूल में पावर है, आई थिंक रात में कटी थी बट आ गई। हमारे यहाँ रात से कटी हुई है 2-2:30 बजे से, सवेरे के बज रहे 10 और लाइट आने का दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोई मेल नहीं आया है। पहले मेल आता है पता चल जाता है कि इतनी देर के अंदर लाइट आने वाली है, बट अभी तक नहीं आया है तो आई डोंट नो कि कब तक आएगी। खाना वगैरह है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं और देखिए कि जो थोड़े दिन पहले आप लोगों को पत्तियाँ ऐसे चमकती हुई सी सुंदर सी दिख रही थी ना सब कुछ, अब हालत देखिए कि यहाँ की क्या हुई है। ये है मेरा घर और घर के पास देखिए। ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, एवरी ईयर अक्टूबर के टाइम में या मिड नवंबर के पहले, आप कह सकते हैं 14-15 नवंबर के पहले ये हालत यहाँ हो जाती है। ये जो आप यहाँ ग्रीन ट्रीज देख रहे होंगे ना, ये एवर ग्रीन ट्रीज हैं, ये पूरे साल ना सूखती हैं ना झड़ती हैं ना इनका कलर चेंज होता है, कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही बिल्कुल खड़ी रहती हैं। आई थिंक पता नहीं अगले 500 साल ये ऐसे ही खड़ी रहेंगी, तो इसीलिए आई थिंक वॉशिंगटन को एवर ग्रीन स्टेट भी कहा जाता है, जो कभी भी ऐसा आपको बंजर नहीं दिखेगा, चाहे कितनी भी पत्तियाँ बाकी पेड़ों की झड़ जाएँ, लेकिन मोस्टली पेड़ यहाँ ये ग्रीन वाले हैं जो अपने कलर कभी चेंज नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। मेरी कम्युनिटी थोड़ी सी पुरानी है, तो पुरानी कम्युनिटीज़ में कुछ अच्छा कुछ बुरा सब होता है, बुरा तो नहीं कहेंगे बट ये कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़ में इंडियंस उतने नहीं होते हैं, लेकिन जो नई कम्युनिटी बन रही है ना वो अलग से अपनी एक पूरी कम्युनिटी ही बना रखे हैं सारे इंडियंस से। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि स्कूल भी ऐसा आप देखेंगे जिसमें शायद
90% इंडियंस ही पढ़ते हैं, वो नई कम्युनिटीज हैं। पुराने कम्युनिटी का कुछ अलग सा फ़ायदा होता है, जो हमारे नेबर्स होते हैं ना वो थोड़े ओल्ड एज के होते हैं, तो इतने ज़्यादा नाइस होते हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम भी तो उनके लिए बच्चे जैसे ही हैं। जैसे इस घर में सामने 85-90 ईयर्स के लोग रहते हैं और वो इतने नाइस हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, मतलब हम सब के लिए, हम लोग हों या मेरी बेटी हो। दूसरा फ़ायदा, ऐसे पेड़ अब आपको नई कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलेंगे, जो एवरग्रीन ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे भी पौधे लगा करके कम्युनिटीज़ को बिल्ड किया जा रहा है ना, तो बहुत छोटे पौधे दिखेंगे ऐसे, बट ऐसे पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो शायद होंगे 50 साल के बाद, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये आप जब पुरानी कम्युनिटी में आओगे ना तो ही देखने को मिलेगा। यार मैं लगातार अगर एक घंटे भी बोलूँ ना, स्टिल मेरा बात नहीं ख़त्म होता है। तो इस ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, एटलीस्ट दो दिन का ब्लॉग तो मैंने दिखाया ही है। एक दिन जिस दिन हम लोग बाहर खाने गए थे उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत तेज़ हवा थी, और दूसरे दिन तो ऐसी हवा चली कि बिल्कुल पावर ही कट हो गया, और 10-12 घंटे के बाद लाइट आई थी। तो ओवरऑल दोनों दिन का ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत सीन, जो कि मैं एडिटिंग करते करते भी उस व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और ये पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी इस पूरे सीन को जो भी आपके सामने आ रहा है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर वीडियो कहीं भी किसी भी वजह से थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूँ। और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप जब रेड कलर का वो जो दिखेगा ना नीचे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, तो प्लीज़ उसको एक बार दबा दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, और वो ग्रे कलर का हो जाएगा, इट मीन्स आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। और जो बेल आइकन बना होता है ना घंटी की तरह, उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जो कि मैं वीक में 3 बार करती हूँ, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो जी चलिए, अगर वीडियो एंजॉय किए हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही प्यारे से और क्यूट से। और अब तो हैलोवीन भी आ रहा है, और साथ ही साथ मेरा बर्थडे भी है, तो सारे व्लॉग मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए कर देते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।